बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रहमत प्रिंट डॉट ब्लॉग डॉट कॉम की जानिब से मैं हूँ रहमतुल्ला। इस ट्यूटोरियल में मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा पिक्स आर्ट पी एन जी इफेक्ट, जिसको आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। और इसके साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी न्यू ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। और हाँ, अगर आपको समझ ना आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिस पर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपने ना सिंपल जो है उसमें लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा जो लव टेक्स पी एन जी है वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने वेबसाइट डायरेक्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कहाँ पे वो पोस्ट पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं पिक्स आर्ट पी एन जी डाउनलोड एच डी क्वालिटी लव टेक्स्ट पी एन जी। तो ये लव टेक्स्ट पी एन जी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्स आर्ट मैनिपुलेशन ये भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर सिंपल जो टेक्स्ट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इसी पेज का, जिस पर मैंने क्लिक किया है इसी का लिंक मैं डायरेक्ट दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको एक जो है इमेज नज़र आएगी जो कि पीएनजी फाइल की होती है, और नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा। तो सिंपल आपने अगर ये वाला आपने पीएनजी फाइल डाउनलोड करना है तो नीचे जो लिंक दिया गया है इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये पहला वाला जो पीएनजी ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद ये दूसरा है, तो ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दें तो इस तरह दूसरा डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सैंपल आप लोगों की आसानी के लिए, अगर आपको पसंद आए तो आप डाउनलोड करें, अगर पसंद ना आए तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं और नीचे आपको और भी खूबसूरत से पीएनजी आपको मिल जाएंगे, जिसको आप एडोब फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग के किसी सॉफ्टवेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल एडोब फोटोशॉप में यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है और ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ से आप पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ईज़िली फोटोशॉप या पिक्स आर्ट में आप इसलिए आपने इम्पोर्ट कर लेना है। तो मैं आपको तरीके बता देता हूँ कि कैसे आपने एडोब फोटोशॉप में इसको इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ से मैंने ये फोल्डर ओपन कर लिया जहाँ पर मेरे पास ये लव टेक्स्ट पीएनजी फाइल पड़े हुए हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल किसी एक को सेलेक्ट करके डायरेक्ट एडोब फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो चुके हैं। सिंपल हमने यहाँ से ये मूव टूल सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हमने कंट्रोल ए कीबोर्ड से प्रेस कर देना है, और उसके बाद कंट्रोल सी, और उसके बाद जिस इमेज पे आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली उस पर क्लिक कर दें, और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसके साइड पे हमें जो है इसको जूम इन या जूम आउट करने का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स इस पर क्लिक कर देना है। तो साइड पे आपको ये आइकन से नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर हम कर्सर लेके जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, जिस साइज़ में आपको अच्छा लगता है तो सिंपली आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया कि कितनी आसानी के साथ हमारे पास ये आ जाते हैं लव टेक्स पी एन जी, ये हमारे पास ईजिली यूज़ हो जाए। इस तरह से आपको और भी पी एन जी फाइल मिल जाएंगे जिसको आप ईज़िली किसी भी वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले से रेडीमेड होते हैं वो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इजीली उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कोई और सेलेक्ट कर लेता हूं और डायरेक्ट मैं यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं, और उसके बाद यहां से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से ये दूसरे इमेज की तरफ लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो इसकी भी आप वैसे ही सेटिंग कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, आप जो भी करना चाहते हैं तो आप इसको फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको समझना है कि ये कहाँ से कैसे डाउनलोड करने हैं तो फिर आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको फिर से बता देंगे कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है और कैसे आपने इसको यूज़ करना है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करें और पिक्स आर्ट में आप यही बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं, पी एन जी फाइल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने इसी पोस्ट के नीचे हमने एक लिंक दिया हुआ है जिसमें लिखा है डाउनलोड पिक्स आर्ट पी एन जी इफेक्ट प्लस बैकग्राउंड। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके मोबाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप के पी एन जी फाइल भी हैं, बैकग्राउंड भी हैं, जो कि आप मोबाइल के थ्रू आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं
और आप मोबाइल से ही फिर पिक्सआर्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्क्रीनशॉट हमने ऐड किए हुए हैं जिसमें पिक्सआर्ट पीएनजी इफेक्ट भी हैं और इसके बैकग्राउंड भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्सआर्ट बैकग्राउंड ये भी हमने इसमें ऐड किए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी न्यू ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।